हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में आपका स्वागत है। बच्चों, अभी तक हम गोली दर्पण क्या है, उनके प्रकार, ये कैसे बनते हैं और इनसे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु जैसे वक्रता केंद्र, उसका ध्रुव, मुख्य अक्ष, फोकस बिंदु, फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या आदि के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब हम गोली दर्पणों का से प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, कैसे उन पर प्रकाश की किरणें पड़ती हैं और वो कैसे प्रतिबिंब बनाते हैं, हम गतिविधि करेंगे। लेकिन उस गतिविधि को करने से पहले हम रे डायग्राम द्वारा उससे संबंधित नियमों को पढ़ेंगे कि कैसे उनमें किरणें आपतित होती हैं और आपतित होने के बाद जब वे परावर्तित होती हैं तो कैसे जाती हैं। दोनों दर्पणों के नियम थोड़े से भिन्न हैं, उनको रे डायग्राम द्वारा हम व्हाइट बोर्ड पर समझाने का प्रयास कर रहे हैं, आप उनको समझिएगा। पहला नियम अवतल दर्पण, आप लोग जानते हैं अवतल दर्पण जिनकी सतह धसी होती है, मतलब जो परावर्तक सतह कौन सी होती है, धसी हुई। तो ये हमारा अवतल दर्पण है ना, इसकी उठी हुई सतह पर पॉलिश है, अंदर की धसी हुई सतह पर परावर्तक सतह है। ये वक्रता केंद्र है इस गोली दर्पण का, एफ इसका फोकस बिंदु है और पी पोल है, परावर्तक तल का मध्य बिंदु पोल कहलाता है। और जिस गोले से, खोखले गोले से अवतल दर्पण बना है उसका केंद्र बिंदु उसका वक्रता केंद्र कहलाता है। अब ये अनंत से आ रही है सूर्य की किरण, ये हमारा मुख्य अक्ष सी पी है ना, सी और पी को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। तो ये जो सी पी से जो एक ये जो ब्लैक कलर का आपको दिख रहा है ये आपतित किरण है और ये जो ब्लू लाइन दिख रही है आपको ये परावर्तित किरण। हर डायग्राम में आप ऐसे ही समझिएगा ना, इसलिए दो कलर से बनाए कि आपको समझ आए। तो आप देखिएगा ये जो आपतित किरण है ये मुख्य अक्ष के बिल्कुल समानांतर समानांतर दूरी पर है ना, समानांतर पर है। जब ये अवतल दर्पण की परावर्तक सतह पर टकराती है तो परावर्तित होती है। परावर्तन के बाद ये कहाँ से जाएगी अवतल दर्पण में, फोकस से। देखिए पहला नियम है, आपतित किरणें बहुत सारी होती हैं दर्पण की सतह पर, लेकिन जब हम रे डायग्राम बनाते हैं तो हम एक रे को लेकर बताते हैं, जब ज्यादा समझ में आएगा। अभी यहाँ मैं बहुत सारी रेखाएं खींच के आपको बताने का प्रयत्न करूंगी तो आप कंफ्यूज होंगे, इसलिए सिर्फ हम एक रे लेकर आपको बताएंगे। पहला नियम कि दर्पण के परावर्तक सतह पर मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें जो आपतित होती हैं वे परावर्तन के बाद फोकस बिंदु या मुख्य फोकस से होकर जाती, पहला नियम। दूसरा नियम पहले नियम का जस्ट उल्टा है, मतलब अभी क्या समानांतर किरणें फोकस से होकर जा रही थी, अब फोकस से होकर आपतित होंगी किरणें और वो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएंगी। देखिए ये हमारा मुख्य अक्ष सीपी, अब यहाँ से सूर्य या कोई भी प्रकाश की किरण, कोई भी प्रकाश स्रोत से इस अवतल दर्पण की परावर्तक सतह पर पड़ रही, ये देखिए फोकस है ना, इस फोकस बिंदु से ये वाली किरण आपतित हो रही है, इसका आपतन बिंदु है। अब इसे टकराने के बाद ये परावर्तित होगी तो ये देखिए पूरी सीधी निकल गई, मतलब ये मुख्य अक्ष के समानांतर होकर निकल गई। तो जस्ट इसका उल्टा हो गया ना, यहाँ आपतित किरण मुख्य अक्ष के समानांतर थी, यहाँ परावर्तित किरण समानांतर हो गई। यहाँ अब परावर्तित किरण फोकस से होकर जा रही थी, यहाँ पे आपतित किरण फोकस से होकर सतह पर टकरा रही। तीसरा नियम, मतलब ये दोनों नियम एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तीसरा नियम क्या कहता है, तीसरा नियम ये कहता है कि जब अवतल दर्पण पर दर्पण के वक्रता केंद्र, मतलब जिस गोले से, खोखले गोले से यह दर्पण बना है उसका केंद्र बिंदु दर्पण का वक्रता केंद्र होता है, तो जब उस वक्रता केंद्र से होती हुई प्रकाश की किरण जब अवतल दर्पण के परावर्तक सतह पर गिरती है, आपतित होती है, तो परावर्तन के बाद बिल्कुल सीधे निकल जाती है। तो देखिए यहाँ पे दो हमने एरो लगाया, ब्लैक कलर का एरो आपतित किरण को बता रहा है और ब्लू कलर का एरो उसी दिशा से वापस जाती हुई परावर्तित किरण को बता रहा है। अब बच्चों आप सोचते होंगे ना, इसका भी एक सिद्धांत है, इसमें भी कुछ वैज्ञानिक टर्म्स है इसमें, कि देखिए परावर्तक सतह जब ये आपतित होती ना, अगर हम यहाँ पे एकदम ऐसे रख के देखेंगे तो असल में 90 डिग्री पर कुछ किरणें परावर्तक सतह पर 90 डिग्री पर आपतित होती, चूंकि यहाँ 90 डिग्री पर आपतित हो रही है तो अगर हम इसको अभिलंब या नॉर्मल मान लें तो हम पढ़े हैं यहाँ पे आपतन कोण इक्वल टू परावर्तन कोण हो जाता है, इसीलिए उसी मार्ग से सीधे लौट जाती हैं। तो ये तीन नियम हमारे अवतल दर्पण से संबंधित हो गए। अब ऐसे ही तीन नियम उत्तल दर्पण से संबंधित है, वो भी हम आपको बता देते हैं। चलिए बच्चों, हम उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियमों के बारे में पढ़ेंगे।
उत्तल दर्पण जिसकी उठी हुई सतह है ना, ये वाली उठी हुई सतह परावर्तक होती है, पॉलिश हम कहा करते हैं धसी हुई सतह पर, तो ये हमारा बना हुआ उत्तल दर्पण है। इसमें भी वही है, सी वक्रता केंद्र, एफ फोकस बिंदु, पी परावर्तक सतह का मध्य बिंदु मतलब पोल है, और सी पी क्या है, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष को बता रहा है। अब इसमें भी वही तीन नियम है। पहला नियम कहता है कि अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें जब अवतल उत्तल दर्पण की परावर्तक सतह पर, उठी हुई परावर्तक सतह पर आपतित होती हैं, तो परावर्तन के बाद ये असल में क्या होता है, उत्तल दर्पण किरणों को बिखेरता है। ये हमने पिछली कक्षा में आपको बताया, अवतल दर्पण सकेलता है और ये बिखेरता है, तो सतह से टकराने के बाद ये बिखर गई, ऊपर की ओर उठ गई, तो हम इसको पीछे की ओर, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, दर्पण के पीछे की सतह, जैसे समतल दर्पण पे हम आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करते हैं ना, पीछे की तरफ हमको दिखता है, हम जैसे जैसे पास जाते हैं वो पास आ जाता है, हम जैसे जैसे दर्पण से दूर जाते हैं तो प्रतिबिंब भी दूर जाता है। तो यहाँ पे हम इसको मिलाने का प्रयास करेंगे, तो यहाँ पे जो ब्लैक कलर की लाइन रे दिख रही है, ये हर डायग्राम में आपतित किरण को बताएगी, और जो ब्लू कलर की लाइन दिख रही है वो परावर्तित किरण को बताएगी, तब ये परावर्तित हुई। तो अब इसको पीछे की तरफ मिलाएंगे तो ये फोकस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, मिलती हैं, हम मिलाते हैं इसको, दर्पण के पीछे की क्रिया है, तो कहाँ मिलती प्रतीत होती हैं, फोकस बिंदु पर। पहला नियम हो गया। दूसरा नियम जस्ट इसका उल्टा होता है, अभी समानांतर किरणें फोकस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, अब फोकस बिंदु वाली किरणें, जो फोकस बिंदु पर आपतित होने वाली प्रतीत होने वाली किरणें परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर निकल जाती है, मुख्य अक्ष के समानांतर परावर्तित होती हैं। अब ये देखिए आपतित किरण है, परावर्तक सतह है जो इसकी उत्तल दर्पण की यहाँ आपतित हुई, तो ऐसा होगा कि ये फोकस बिंदु पर पड़ रही हैं, आपतित हो रही हैं। अब जब परावर्तन होगा तो ये मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएंगी। फर्स्ट नियम और सेकेंड नियम जस्ट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अब तीसरा रूल क्या कहता है, तीसरा रूल में भी वही है, वक्रता केंद्र है ना, वक्रता केंद्र से जब उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र से आप वक्रता केंद्र पर जो किरणें आपतित होती हैं वे परावर्तन के बाद सीधी निकल जाती हैं। इसमें भी वही है, ये परावर्तक सतह जो होती है, अगर हम वहां पर ध्यान से देखें तो कुछ किरणें परावर्तक सतह पर 90 डिग्री का कोण बनाती हुई है ना, 90 डिग्री का कोण बनाती हुई आपतित होती हैं, और जब 90 डिग्री का कोण बनाने वाली किरणें जब भी परावर्तक सतह पर आपतित होंगी तो आपतन कोण बराबर हो जाता है परावर्तन कोण, और वो नॉर्मल अभिलंब से होती हुई सीधी की सीधी निकल जाती हैं। तो यहाँ ब्लैक कलर का जो एरो है वो आपतन किरण को बता रहा है, आपतित किरण को, और जो ब्लू कलर का एरो है ये परावर्तित किरण को बता रहा है कि वह सीधे की सीधे निकल गई। अब हम दोनों उत्तल और अवतल दर्पण पर प्रतिबिंब बनने के नियम पढ़ लिए। अब हम विभिन्न स्थितियों पर, जैसे ये मुख्य अक्ष है हमारा, ठीक है, तो मुख्य अक्ष पर हम विभिन्न स्थितियों पर वस्तु को रखेंगे, हमें उत्तल या अवतल दर्पण लेंगे, और वस्तु के लिए मतलब हम प्रकाश स्रोत मोमबत्ती रखेंगे, और मुख्य अक्ष की विभिन्न स्थितियों पर रखेंगे, और पास और पास और पास लाते जाएंगे दर्पण पे, और देखेंगे उसका प्रतिबिंब हमको कहाँ और कैसे प्राप्त हो रहा है। तो हम उसकी गतिविधि से आपको बताएंगे, उसको गतिविधि का हम पूरा उसको आपको बताएंगे कैसे करते हैं, उसका रे डायग्राम भी मैं आपको रेखा चित्र इसी तरीके से एक रे लेकर रेखा चित्र भी आपको पहले सिखा देती हूँ। रेखा चित्र इसलिए बच्चों सीखना जरूरी है क्योंकि परीक्षा में पूछ लेता है कि मान लीजिए पूछ लिया अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र पर हम वस्तु रखे हैं तो उसका प्रतिबिंब हमको कहाँ प्राप्त होगा, उसकी प्रकृति कैसी होगी, उसका आकार कैसा होगा, और वो कहाँ स्थित होगा, ये तीन बातें पूछता है। तो हम उसको गतिविधि से तो कर लेंगे लेकिन परीक्षा में हमको लिखना पड़ता है। बच्चों अब ये देखिए हमारा रे डायग्राम है, पहले हम अवतल दर्पण के साथ रे डायग्राम बनाना सीखेंगे। ये उस अवतल दर्पण का पी यानी पोल है, एफ फोकस बिंदु है, और सी उसका वक्रता केंद्र है ना। अब हम यहाँ पे देखिए ये हमारी वस्तु है, अभी वस्तु को आप समझ रहे हैं, देखिए सी से परे मतलब सी के और इधर है, मुख्य अक्ष पे हमने वस्तु रखी है, हम वस्तु को एरो के चिन्ह से तीर के चिन्ह से दिखा रहे हैं, ये हम कुछ भी वस्तु रख सकते हैं।
अब इसमें से प्रकाश की किरणें निकलेंगी और अवतल दर्पण की परावर्तक सतह पर आपतित होंगे। देखिए पहली आपतित किरण क्या है, हरी वाली लाइन आपको दिख रही ग्रीन कलर में। अब ये आपतन बिंदु हो गया। अब ये मुख्य अक्ष के समानांतर, ये मुख्य अक्ष ब्लू लाइन दिख रही है आपको, मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण है। तो हमने रूल में क्या पढ़ा था कि मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होने वाली किरणें परावर्तन के बाद फोकस बिंदु से होकर जाती हैं। ये हमारा फोकस बिंदु है। तो देखिए कहाँ से होकर जा रही हैं, परावर्तन के बाद परावर्तित किरणें फोकस बिंदु से, इसको हमने रेड लाइन से शो किया, ये पहली हो गई किरण। अब दूसरा रूल क्या था, जस्ट इसका उल्टा, कि फोकस बिंदु से होकर परावर्तक सतह पर आपतित होने वाली आपतन किरणें परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। ये हमारा देखिए ये मुख्य अक्ष है, ये है ना। अब ये इसके समानांतर ये परावर्तित किरण, दो परावर्तित किरण हो गई और दोनों परावर्तित किरणों को रेड लाइन से, रेड कलर से हम शो कर रहे हैं और दोनों आपतित किरणों को ग्रीन लाइन से, पहली समानांतर आपतित किरण है और दूसरी फोकस से होकर आने वाली आपतित किरण है। अब दोनों इस बिंदु पर हमको कटती दिखाई दे रही हैं, है ना, इस बिंदु पर काटी तो इस बिंदु पर हमने वस्तु का प्रतिबिंब बना दिया। अभी मुख्य अक्ष के ऊपर जो वस्तु है वो खड़ी है ऐसे सीधी, अभी मुख्य अक्ष के नीचे बन रही है तो उल्टी हो गई, ये देखिए है ना, उल्टी इन्वर्टेड हो गई। तो अब पूछता है कि प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है, मतलब वो कहाँ बना, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है और उसका प्रकार कैसा है। तो प्रतिबिंब कहाँ स्थित है, अब देखिए ये सी मतलब वक्रता केंद्र, एफ मतलब फोकस बिंदु, उन दोनों के बीच, ठीक है। तो प्रतिबिंब कहाँ स्थित है, प्रतिबिंब हमारा सी और एफ के बीच। दूसरा, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है, प्रतिबिंब की प्रकृति देखिए बच्चों उल्टी है, है ना, उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त हुआ हमको और वास्तविक है। वास्तविक प्रतिबिंब वो होते हैं जो हमको पर्दे पर प्राप्त होते हैं और जो दर्पण की सतह पर प्राप्त होते हैं वो आभासी होते हैं, लेकिन ये हमको दर्पण की सतह पर प्राप्त नहीं हुई। जब हम इसकी गतिविधि करेंगे तो आप अच्छे से समझ जाएंगे कि ये हमको कैसे इधर ही पर्दे पर मिलता है, स्क्रीन हम जो बनाएंगे उस पर मिलेगा और वस्तु से छोटा होगा ये, है ना, आकार कैसा है इसका, वस्तु से छोटा। जब आप गतिविधि करेंगे तो आपको वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो पर्दे पर प्राप्त हुआ इसलिए वास्तविक है और उल्टा, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टे होते हैं और ये वस्तु से छोटा है, पहली स्थिति सी से दूर। अब दूसरी स्थिति क्या है, अब हम वस्तु को सरकाते जाएंगे और हम कहाँ पहुँच गए, सी पर, ये देखिए वक्रता केंद्र पर। इसमें भी वही नियम है, समानांतर किरणें आप आपतित हुई और परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाएंगी, दूसरी आपतित किरण जो फोकस से होकर जाएगी वो परावर्तन के बाद समानांतर हो जाएगी मुख्य अक्ष के, सेम वही रूल यहाँ भी लगेगा। हम अच्छे से इसको नाप के जब भी हम मुख्य अक्ष पर वस्तु रखेंगे ना बच्चों, तो सी और पी मुख्य अक्ष पर बीचों बीच फोकस बिंदु बनाएंगे। अगर हम ये 10 सेंटीमीटर ले रहे हैं तो इसका आधा 5 सेंटीमीटर लेंगे, हम 6 सेंटीमीटर ले रहे हैं ये तो इसका बीचों बीच बिंदु जो आएगा 3 सेंटीमीटर पे ही एफ बनाएंगे। रे डायग्राम बनाने में बहुत सावधानी रखनी पड़ती है, यानी कि हम इसको एफ और पी को 2 सेंटीमीटर ले लिए, सी और एफ को 3 सेंटीमीटर ले लिया, ऐसा नहीं होता, बिल्कुल नाप के हम इसको बनाते हैं। तो अब ये किस बिंदु पर मिली, इस बिंदु पर, तो हमने यहाँ पे लाइन खींच दी और जब हम इसको नापेंगे बच्चों तो ये जो हमारा प्रतिबिंब प्राप्त होगा ये उसी आकार का होगा। अगर हम इसको मार्कर से आपको चिन्ह बना के बताएंगे, ये देखिए मान लीजिए हमने यहाँ पे अगर पॉइंट रख दिया तो देखिए वस्तु की जो प्रतिबिंब बन रहा उसकी लंबाई भी सेम आई, है ना, और ये क्या होता है, उल्टा होता है। और कहाँ प्राप्त होता है, इसमें भी यही तीनों चीज़ें पूछेगा, स्थिति, प्रकृति और प्रकार। तो स्थिति कहाँ है, वक्रता केंद्र पर ही बना। प्रकृति कैसी है, वास्तविक है और उल्टी, वास्तविक मतलब यह भी हमको पर्दे पर प्राप्त होगा और उल्टा है। और देखिए आकार भी मैंने बताया कि बराबर, जितनी लंबी वस्तु जितनी बड़ी वस्तु होगी आकार में उतनी ही बड़ा हमको प्रतिबिंब प्राप्त होगा, ये भी मैं नाप के बताई हूँ आपको। अब तीसरी बच्चों, हम वस्तु को मुख्य अक्ष में पहले सी मतलब सी से परे रखे, सी पर रहे, अब हम और पास पास दर्पण के लेते जाएंगे वस्तु को। अब हम सी और एफ के बीच रख दिए तो ये जो स्थिति है जस्ट पहली स्थिति के अपोजिट हो जाएगी। देखिएगा जब हम सी और एफ के बीच, सी से परे वस्तु रखे थे तो प्रतिबिंब सी और एफ के बीच प्राप्त हुआ था, अब हमने सी और एफ के बीच वस्तु रखी तो उसका प्रतिबिंब सी से परे प्राप्त होगा। इसमें भी वही है, परावर्तित किरणें हैं ये, समानांतर किरणें फोकस से होकर गईं,
फोकस से होकर आपतित होने वाली आपतित किरणें परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो गई, सेम रूल है। अब हम इसको यहाँ मिला दिए, जिस बिंदु पर दोनों किरणें आपस में काट रही हैं वही रेड और ब्लू लाइन से ग्रीन लाइन से हम बताएं। अब हम इसको जिस बिंदु पर मिला उसको मिला दिए। ये हमारा वस्तु है, ये हमारा प्रतिबिंब, ये आपको दिख ही रहा है, ये छोटा है वस्तु और प्रतिबिंब बड़ा है। सी और एफ के बीच वस्तु है तो प्रतिबिंब कहाँ हमको मिल रहा है, सी से दूर मिल रहा है ना। ये हमारा एफ है, यहाँ पे हमारा सी है और यहाँ पे हमने रखा है इसको सी से दूर, जो प्रतिबिंब प्राप्त हुआ है। तो ये भी वास्तविक है और उल्टा है और वस्तु से बड़ा है। चौथी स्थिति, वस्तु कहाँ आ गई, अब फोकस पर, सी से परे, पहली सी पर, तीसरी सी और एफ के बीच, अब हम एफ पर ले आए, फोकस पर आ गई। तो इसका रूल हमने देखिए, अनंत से जब वस्तु आती थी तो उसका बिंदु फोकस पर बनता था, अब क्या हो रही है, फोकस पर ही हमने वस्तु रख दी। तो जब फोकस पर हम वस्तु रखेंगे तो ये किरण यहाँ से निकली, आपतित होने के बाद फोकस से होकर गई। अब इसमें हम तीसरा वाला रूल जो हम पढ़े थे वो लगाएंगे, हम दूसरा वाला नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि अभी वस्तु फोकस पर ही रखी है। तो हम वक्रता केंद्र से जो किरणें होकर आपतित होती हैं तीसरा रूल में था, वहीं से परावर्तन के बाद परावर्तित हो जाती, क्योंकि यहाँ लगभग 90 डिग्री का कोण बनता है, आई इक्वल टू आर हो जाता है, नॉर्मल पर ही सीधे आपतित हो गई हैं, तो ये वहीं से हो जाए। और आप देखिए पीछे पीछे बढ़ती जाएंगी, समानांतर होती जा रही हैं, ये मिलेंगी नहीं। तो इसमें जो प्रतिबिंब की स्थिति है देखिए, अनंत पर मिलेगा, बड़ा मिलेगा है ना, और ये भी उल्टा मिलेगा, वास्तविक और उल्टा। अब पांचवी स्थिति, और हम पास में ले आएंगे वस्तु को, अब फोकस से हम एकदम दर्पण के सामने। और बच्चों ये सबसे महत्वपूर्ण गुण है अवतल दर्पण का। इसमें देखिए अब यहाँ पे अभी तक चारों स्थिति में हमको वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त हुआ था, अब हमको यहाँ पे आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होगा, ये पर्दे पर नहीं प्राप्त होगा, ये हमको दर्पण के पीछे प्राप्त होगा। जब हम गतिविधि करेंगे तब आप इसको ध्यान से देखिएगा, इसमें भी वही रूल लगाएंगे। आपतन आपतित किरण देखिए, हरी जो दिखा रही हरी लाइन आपतित हुई और आपतन के आपतित होने के बाद परावर्तित होकर फोकस से होकर चली गई। दूसरा हम वक्रता केंद्र से होकर लेके जाएंगे, वक्रता केंद्र से जो किरण होकर जाती है परावर्तन के बाद, परावर्तित किरणें सीधे उसी मार्ग से निकल जाती हैं, अभी कहीं नहीं मिलेंगी, ये और बढ़ते जाएंगे। तो हम इनको दर्पण के पीछे देखो बिंदु बिंदु से दिखाया गया, मिलाने का प्रयास करेंगे और जिस बिंदु पर मिलेंगी वहां पर हम रेखा खींच देंगे। वस्तु है ये प्रतिबिंब, ये देखिए मुख्य अक्ष के ऊपर मिल रहा है, मुख्य अक्ष के ऊपर मिल रहा है मतलब सीधा प्रतिबिंब बन रहा है, और ये देखिए वस्तु से कितना बड़ा है और ये आभासी है। तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ हो गई, दर्पण के पीछे, क्योंकि दर्पण के पीछे इसलिए उसकी प्रकृति आभासी और काल्पनिक हो गई, और आकार कैसा हो गया, वस्तु से बड़ा। यह स्थिति अवतल दर्पण का सबसे महत्वपूर्ण गुण है, क्योंकि सिर्फ इसी स्थिति में वस्तु का हमको आभासी, इसीलिए सीधा प्रतिबिंब, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। आभासी इसलिए होता है क्योंकि दर्पण की सतह पर प्राप्त होता है, पर्दे पर नहीं। और इसी गुण के कारण अवतल दर्पण का उपयोग हम बहुत जगह करते हैं, से सेविंग करते समय, जब हम सेविंग करते हैं तो हमारे जो गाल का हिस्सा उसको अच्छे से देखना हो, दाढ़ी बनाने के समय तो बड़ा दिखाता है। डेंटिस्ट लोग दांत का इलाज करते हैं तो दांत को बड़ा देखने के लिए इसी अवतल दर्पण को अपने सिर में लगा के उस जगह का अवलोकन करते हैं, तो जगह बड़ा होता है, उसमें छोटे छोटे जो जर्म्स कीटाणु सब होते हैं, जो भी खराबी उनको दिखता है। और इसके अलावा अवतल दर्पण का उपयोग टॉर्च, हेडलाइट, स्ट्रीट लाइट आदि में होता है, और ये प्रकाश की किरणों को उस समय वो कर देते हैं, क्योंकि एकदम पास में उस समय बल्ब स्क्रीन के दर्पण के रहता है तो ऐसे ही फैला देते हैं। तो ये हो गया बच्चों हमारी अवतल दर्पण की स्थिति। अब हम अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनना सीख लिए, अब हम उत्तल दर्पण के साथ प्रतिबिंबों को बनना सीखेंगे। बुक में सिर्फ एक ही स्थिति दी है, क्यों दी है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए ये हमारा उत्तल दर्पण है ना, उठी हुई सतह पर इसमें परावर्तन हो रहा है, इसमें भी हम मुख्य अक्ष पर वस्तु रखेंगे, सी से दूर, फिर सी और सी पर ले आएंगे, फिर सी एफ के बीच ले आएंगे, फिर एफ पर ले आएंगे, फिर पी पर, ऐसे ही सरकाते जाएंगे। इसमें भी वही नियम लगेगा, मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होती हुई प्रतीत होंगी, और जो वक्रता केंद्र से होकर होती हैं आपतित किरणें वो परावर्तन के बाद सीधे निकल जाती हैं। तो ये देखिए यहाँ पे कहीं प्रतिबिंब नहीं मिल रहा हमको दर्पण के अंदर, समतल दर्पण में जैसे हमको प्रतिबिंब हमारा रोज दिखता है ना, वैसे ही अंदर मिलता है, बहुत छोटा दिखता है और ये सीधा होता है देखिए, क्योंकि मुख्य अक्ष के ऊपर बन रहा है। हम और पास ले आए वस्तु को, उसमें भी वही सब नियम लगेंगे, हम और ज़्यादा पास ले आए, फिर एक कंडीशन ऐसी आ गई कि फोकस के भी हम पास में ले आए, ये देखिए एकदम पास में, और फिर वही रूल लगाएंगे। तो
हमको हर स्थिति में प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त हो रहा है बच्चों, एकदम पीछे और आभासी प्राप्त हो रहा है और वस्तु से हमेशा छोटा बन रहा है हमेशा। उत्तल दर्पण के इसी गुण का उपयोग गाड़ियों में साइड मिरर के रूप में होता है, क्योंकि पीछे आने वाले वास्ट एरिया का प्रतिबिंब छोटे रूप में दिखाता है और ड्राइवर गाड़ी चलाता है तो उसको पीछे का पूरा ट्रैफिक दिखता है ना, वो साइड देता हुआ अपना गंतव्य की ओर आसानी से बिना बाधित बिना एक्सीडेंट किए आराम से बढ़ता रहता है और एक्सीडेंट नहीं होते। उम्मीद है बच्चों आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। अब हम इसकी गतिविधि आपको प्रैक्टिकल करके बताएंगे। बाय बाय।